इस वीडियो को देखने से पहले, यहां से आगे बढ़ने से पहले, आप डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नीचे बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिल जाए। जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर की गोगुंदा सीट के बारे में। मतदान हो चुके हैं, मतदान में काफी लोगों ने अच्छी रुचि दिखाई है। मतदान से पूर्व दिव्यांगों के लिए और वरिष्ठ जनों के लिए पोलिंग टीमों ने जो है गांव-गांव में जाकर दिव्यांगों के और वरिष्ठ जनों के मतदान करवाए थे। ये नई व्यवस्था थी जो पहली बार देखने को मिली और इससे दिव्यांग जनों में और वरिष्ठ जनों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने धन्यवाद दिया निर्वाचन विभाग का कि घर तक आकर उनके वोट करवाए गए। 25 नवंबर को भी अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। जो लोग मतदान करने से वंचित रह गए, खासतौर पर दिव्यांग जन और वरिष्ठ जन, उन्होंने भी मतदान केंद्रों तक पहुँच कर मतदान किया। दूल्हे ने, दुल्हन ने, बुजुर्ग ने और दिव्यांग ने, हर किसी ने मतदान किया। यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जो है वो 0.6% बढ़ा है। आप देखिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी कि 2018 के चुनाव में गोगुंदा सीट पर 73.69% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 73.75% यानी 0.6% की जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। हम देखें तो ओटड़ा ब्लॉक की जो 21 पंचायतें इसमें शामिल है वहां पर मतदान का प्रतिशत ज्यादा देखने को मिला है। कहीं 91% तो कहीं 85% तक मतदान उस क्षेत्र में हुआ है। और उस क्षेत्र के लोग सर्वाधिक मतदान किस प्रत्याशी को किया होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग है गोगुंदा ब्लॉक जिसमें 32 पंचायतें हैं, दूसरा है सायरा, पूरा का पूरा ब्लॉक इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल है और उसमें 31 पंचायतें हैं, तीसरा कह सकते हैं बड़गांव को जो उदयपुर शहर के नजदीक का क्षेत्र है और बड़गांव ब्लॉक की 15 पंचायतें जो है विधानसभा क्षेत्र में शामिल है, और चौथा जो मुख्य वार्ड है वो कोटड़ा ब्लॉक का, कोटड़ा ब्लॉक की 21 ग्राम पंचायतें गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में शामिल है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में कुल 99 ग्राम पंचायतें हैं। 99 ग्राम पंचायतों के लोगों ने जो इस बार वोटिंग करी किस पक्ष में की ये तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हम थोड़ा सा कयास लगा सकते हैं, हम थोड़ा सा एग्जिट पोल पर बात कर सकते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ रहा होगा, हम इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो हम आपको चार भागों में वीडियो बताएंगे। ये पहला भाग है और इस पहले भाग में हम बात करेंगे गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के गोगुंदा ब्लॉक की, और गोगुंदा ब्लॉक में 32 ग्राम पंचायतें हैं। हम पिछले चुनाव के डेटा को देखें, पिछले चुनाव में अगर हम जसवंतगढ़ ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 597 वोटों से जो है प्लस रही थी कांग्रेस। यहाँ नारायण पालीवाल जो पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो है, उन्होंने यहाँ पर मेहनत करी, उनकी टीम ने मेहनत करी और यहाँ पर 597 वोटों से कांग्रेस प्लस रही थी। इस बार नारायण पालीवाल कहीं नजर नहीं आए। 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष वो जो है कहीं पर नजर नहीं आए। कहा ये जा रहा है कि वो अपनी ग्राम पंचायत से कांग्रेस को लीड दिलवाने के लिए लगे हुए थे। थोड़ा सा नाराजगी कहीं कहीं नारायण पालीवाल की देखने को मिलती है। वो कांग्रेस में के कोर ग्रुप में होते हुए भी इस बार निष्क्रिय दिखे थे। तो ऐसे में क्या वो इस 597 वोटों की बढ़त को 1000 में बदलने के लिए काम कर रहे थे या 597 को खाली 97 पे लाकर छोड़ने पर लगे हुए थे। लेकिन ये तो है कि इस बूथ से नारायण पालीवाल कांग्रेस को लीड दिलवाएंगे। अगली पंचायत की बात करें झाड़ोली की, इस बार सरपंच संघ के अध्यक्ष पद्माराम भील थे। यहाँ सरपंच पद्माराम भील है और पद्माराम भील विधायक प्रताप गमेती के खास होते हैं, तो प्रताप गमेती की करीबी और भाजपा में सक्रियता और संघ के प्रशिक्षित सरपंच पद्माराम भील ने यहाँ पर कोशिश की होगी निश्चित तौर पर वोटों की बढ़त दिलवाने की। लेकिन देखा जाए तो पिछले चुनाव में यहाँ पर 118 वोटों से कांग्रेस प्लस थी, इस बार जो है यहाँ
देखने वाली बात होगी कि सरपंच पद्मराम हील यहाँ बढ़त दिलवा पाते हैं अपनी पार्टी को या तेज सिंह चारण जो कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष भी बने हैं अभी हाल ही में और उनका अच्छा वोटों पर होल्ड भी है। तो यहाँ जाड़ोली में कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कम लीड रहेगी। तीसरी ग्राम पंचायत की बात करें रावलिया खुर्द। रावलिया खुर्द वो ग्राम पंचायत है जो 2014 के चुनाव के बाद में काफी एक्टिव थी। यहाँ पर भाजपा की टीम मजबूती के साथ खड़ी थी। राम सिंह हो, देवी सिंह हो और हम बात करें फतेहलाल जोशी जो कि किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रहे, ऐसा करके यहाँ पर पूरी एक भाजपा की अच्छी टीम थी और उस टीम ने यहाँ पर काम किया लगातार 2014 के बाद से। लेकिन 2018 के चुनाव की बात करें यहाँ के चार बूथों में से 25 वोट अधिक मिले थे और 2018 के बाद की जो हम बात करें तो यहाँ पर ओम प्रकाश जोशी जो मंडल अध्यक्ष भी है नांदेड़ मां के कांग्रेस के और यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई है और लाल सिंह झाला, महिला ग्रासिया और ओम प्रकाश जोशी के नेतृत्व में यहाँ पर जो टीम है उसने बेटर करने का यहाँ पर प्रयास किया है और करती हुई दिखी है। अंदर खाने भाजपा के लोग भी मानते हैं कि रावलिया खुर्द में कांग्रेस लीड लेगी। चौथी ग्राम पंचायत है रावलिया कला। अर्जुन सुथार यहाँ पर काफी एक्टिव रहे, उन्होंने अपनी एक टीम क्रिएट करी 2015 में, उनकी पत्नी सरपंच बनी थी। रावलिया कला में पिछली बार कांग्रेस 459 वोटों से पीछे रही थी। इस बार जो मंत्रीलाल गरासिया और इनकी टीम यहाँ पर दौड़ी है तो उनका प्रयास खास तौर पर रहा होगा कि इन 459 वोटों का जो माइनस है, यहाँ पर जो इतना बड़ा खड्डा है, इनको भरा जाए तो कहीं कहीं ये इस पंचायत से थोड़ा सा इस आंकड़े को कम कर पाने में सफल हुए होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन फिर भी रावलिया कला ग्राम पंचायत से निश्चित तौर पर भाजपा लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं ओबरा कला की। ओबरा कला में पिछली बार 623 वोटों से कांग्रेस माइनस रही थी। ओबरा कला में नवल सिंह चदाना जो कि भाजपा के नांदेड़वा मंडल के अध्यक्ष है और नवल सिंह चदाना ने यहां पर भाजपा को मजबूत करने का खासा प्रयास किया है। देखिए इस बार 700 की वोटिंग हुई है और ये वोटिंग कहीं कहीं चिंताजनक है। इस बूथ पर जो है कांग्रेस को 200 वोट मिलते हैं लेकिन इस बार जो 700 की का मतदान यहाँ पर हुआ है उससे ऐसा लगता है कि यहाँ से भाजपा को लीड मिल सकती है। लेकिन ये भी देखना होगा कि नवल सिंह चदाना के समधी रहे जो उनका एक रिश्ता गांव में टूटा था तो उन समधी ने भी यहाँ पर जो है अच्छा खासा प्रयास किया। फिर आसपास के पेट्रोल पंप वाले और हैं जिनकी मदद से और यहाँ पूनम चंद्रेवाल जो कि मंगीलाल गराशिया के काफी खासम खास है, वो किशन मेघवाल जो कि इसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के हैं, उनके जैसे कई लोगों की टीम ने यहाँ पर काम किया जो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट को कम करके उन वोटों को कांग्रेस के पक्ष में दिलवाने में सफल रहे होंगे। ओबरा खुर्द के बूथ पर जो ज्यादा मतदान हुआ है वो कहीं कहीं चिंता का विषय है और यहाँ लग रहा है कि भाजपा यहाँ से लीड लेगी। अब बात करते हैं मजावड़ी ग्राम पंचायत की। मजावड़ी ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच कपिल पालीवाल ने यहाँ पर ठीक करने का कोशिश किया था, कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाते हुए भाजपा को यहाँ पर बढ़त दिलवाने में वो लगातार काम करते रहे हैं। वो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी बनाए गए नांदेड़मा के चुनाव से ठीक पहले, वो लगातार फील्ड में सक्रिय रहे हैं चुनाव के दौरान और भाजपा को जो है उन्होंने वोट दिलवाने का प्रयास किया है अपनी टीम के साथ मिलकर। 2018 के चुनाव में यहाँ पर 509 वोटों से कांग्रेस माइनस रही थी, ऐसे में इस बार कितना ये बढ़त ले पाती है ये देखने वाली बात होगी। इस मजावड़ी ग्राम पंचायत में खाकड़ी ग्राम भी आता है और खाकड़ी के योगेश तेली हो चाहे युवराज सिंह बघेला हो, कांग्रेस के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने इस बार यहाँ पर दौड़भाग की है। उनकी मेहनत कितना सफल होती है 3 नवंबर को मालूम पड़ेगा, लेकिन बहरहाल माना यही जा रहा है कि मजावड़ी से कांग्रेस इतनी लीड नहीं ले पाएगी। हालांकि मजावड़ी ग्राम पंचायत लाल सिंह झाला की होम ग्राम पंचायत है और लाल सिंह झाला की सक्रियता आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इस बार जो है युवा उनके साथ है, बुजुर्ग उनके साथ थे, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जो 509 वोट है ये कहीं कहीं
माइनस हो सकते हैं और यहाँ से कांग्रेस लीड भी ले सकती है, लेकिन उसके आसार बहुत कम हैं। तो फिलहाल हम इस मजावली ग्राम पंचायत को भाजपा के खाते में मान सकते हैं। दादिया ग्राम पंचायत विधायक प्रताप गणेश जी की होम पंचायत है। यहाँ पर सरपंच का चुनाव इनके बेटे ने लड़ा था और उनका बेटा चुनाव हार गया था। यहाँ पर किशन गमेटी जो है वो चुनाव जीते। सिवड़िया ग्राम गांव के जो है ये किशन गमेटी है और खेरावास गांव के यहाँ के उप सरपंच कैलाश है। तो कैलाश और किशन ने इस बार क्या किया होगा ये चुनाव परिणाम के दौरान मालूम पड़ेगा, लेकिन ये तो है कि सरपंच उप सरपंच की जो है दूरी रही है विधायक से और यहाँ के लोगों में भी काफी नाराजगी रही है इनको लेके। तो ऐसे में यहाँ की जो भाजपा की टीम है वो कितना मजबूती से पिछली बार जो 824 वोटों की लीड थी उस लीड को कितना कायम रख पाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार हरि सिंह झाला ने यहाँ पर कांग्रेस को लीड दिलवाने की जिम्मेदारी ली थी और हरि सिंह वो शख्स है जो नाल पंचायत हो चाहे चाटियागिरी ग्राम पंचायत हो देख सकते हैं वो जहाँ की जिम्मेदारी लेते हैं वहां पर कांग्रेस को प्लस करके बताते हैं। तो इस बार ये माना जा सकता है कि दादिया में जो वोट पिछली बार भाजपा को मिले थे शायद उसमें इस बार कटौती हो सकती है। गोकुंदा के पास वाली काछवा ग्राम पंचायत से भाजपा को 999 वोटों की बढ़त मिली थी। तो काछवा इस ब्लॉक का मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण गाँव है जो भाजपा के लिए फायदे का काम करता है। 999 लगभग 1000 वोटों की बढ़त यहाँ से मिलती है और इस बार भी लगता है कि काछवा से ये लीड इनकी बरकरार रहेगी। हो सकता है कि अपने प्रत्याशी की छवि अपने प्रत्याशी का जो व्यवहार था 5 साल का उसको देखते हुए कहीं थोड़ा बहुत वोट जो है कम हो सकता है, लेकिन यहाँ से भाजपा के प्लस रहने की ही उम्मीद है। अब हम बात करें प्रॉपर गोकुंदा की। देखिए गोकुंदा में कांग्रेस के दो ग्रुप थे। एक ग्रुप है रामेश्वर चौधरी का जो युवाओं के साथ और विभिन्न समाजों के साथ काम करता है और एक ग्रुप है जो परंपरागत वोट बैंक के साथ काम करता है। परंपरागत वोट बैंक के साथ में काम करने वाले लोग हैं पूर्व सरपंच करण सिंह झाला और उप सरपंच लाल कृष्ण सोनी, साथ ही उनके साथ ओम सिंह चौहान और ऐसे और साथी है जो इनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन्होंने आधे गांव को कवर किया है जहां पर कांग्रेस को लीड दिलवाने के लिए लगातार काम कर रहे थे और दूसरा जो था रामेश्वर चौधरी वाला ग्रुप ये भी कहीं कहीं विभिन्न समाजों को साथ में लेते हुए कांग्रेस को लीड दिलवाने के लिए काम कर रहा था। यहां पर जो हम देखे तो 2018 के चुनाव में 649 मतलब 650 वोट जो है भाजपा प्लस रही थी। इस बार कई कारणों के चलते, देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं कई कारणों के चलते, मैं आगे बताऊंगा कारण क्या थे, कई कारणों के चलते इस बार भाजपा गोकुंदा से इतनी लीड नहीं ले पाई। 650 वोट कहीं कहीं कम होंगे, बराबर भी हो सकता है और कांग्रेस यहां से लीड भी ले सकती है, क्योंकि जिस तरह का यहां पर देखने को मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सक्रियता यहां पर देखने को मिली है और इनका जो चुनाव का मैनेजमेंट यहां पर देखने को मिला है उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कम से कम 650 की लीड तो इस बार भाजपा गोकुंदा से नहीं ले पाएगी। चाटेगिरी ग्राम पंचायत में पिछले चुनाव में 251 वोटों की बढ़त हुई थी कांग्रेस में और यहाँ के कार्यकर्ता पिछले 5 सालों में मजबूत हुए हैं कांग्रेस के। ऐसे में माना जा सकता है कि यहाँ से ये लीड और बढ़ेगी। हालांकि समीपवर्ती चाटेगिरी जो प्रॉपर गांव है यहाँ पर भाजपा के वोटों की संख्या अधिक है, लेकिन इसमें सेंधमारी का काम किया है इस बार लीलाधर पालीवाल जैसे लोगों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, उनको जिम्मेदारियां दी। ऐसे में माना जा सकता है कि चाटेगिरी ग्राम पंचायत कांग्रेस के खाते में जाएगी। अब आती है नाल ग्राम पंचायत। नाल ग्राम पंचायत जो है आदिवासी पॉपुलर ग्राम पंचायत है, आदिवासी वोट बॉय को भी यहाँ पर बहुलता है। हरि सिंह झाला का यहाँ वर्चस्व है, लोगों से उनका अच्छा कनेक्शन है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले यहाँ पर जो 1500 से 1800 लोगों के साथ में एक बड़ी सभा हुई थी उस सभा को देखने से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से कांग्रेस करीब 1000 वोटों से प्लस हो सकती है और ये जो मत प्रतिशत है यही बढ़ सकता है, क्योंकि नाल के जो सरपंच है गोगाराम गमेती उनके पुत्र जो है भंवर गमेती उन्होंने काफी सक्रियता से इस क्षेत्र में काम किया है। यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य है जो देवीलाल दाइमा अपड़ावली खुर्द के सरपंच है, उनकी पत्नी यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य हैं। तो ऐसे में इन सब टोली ने मिलकर यहाँ पर जो काम किया है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि नाल में बढ़त सर्वाधिक जो है कांग्रेस को मिल सकती है।
अब बात करते हैं मोड़ी ग्राम पंचायत की। मोड़ी ग्राम पंचायत भी गोकुलदास के समीपवर्ती ग्राम पंचायत है। यहाँ पे पहले सरपंच थे प्रहलाद सिंह ज्याला, अभी वो उप सरपंच है, सरपंच कांग्रेस समर्थित है। और प्रहलाद सिंह ज्याला जो है जिले की कार्यकारिणी में इनके पास में एक पद है, और इन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हुए ये दिखे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस बढ़त में रहेगी। यहाँ मैं और आपको बता दूं कि प्रहलाद सिंह ज्याला लाल सिंह ज्याला के खास है, और लाल सिंह ज्याला ने इस बार अपने तमाम खास लोगों को कड़ी जिम्मेदारी दी थी कि हर हाल में मुझे हर बूथ प्लस चाहिए। तो ऐसे में लाल सिंह ज्याला की खास टीम ने खास काम करके दिखाया होगा, ये माना जा सकता है। और अगर उन्होंने काम किया है तो निश्चित तौर पर मोड़ी से जो है कांग्रेस को ज्यादा बढ़त मिलेगी। अब बात करते हैं चोर बावड़ी ग्राम पंचायत की। चोर बावड़ी जिसका नाम विजय बावड़ी हो चुका है, विजय बावड़ी के पूर्व सरपंच जो है नार सिंह देवड़ा, वो यहाँ पर काफी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। नार सिंह देवड़ा मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, लोग उनको काफी मानते हैं, और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता है। नार सिंह देवड़ा के पुत्र कमलेंद्र सिंह देवड़ा भी सक्रियता से यहाँ पर काम कर रहे थे। और विजय बावड़ी ग्राम पंचायत एक तरीके से भादवीगुड़ा मधावटा ग्राम पंचायत के पास की भी पंचायत है, और जो गोगुंडा की वर्तमान प्रधान है सुंदर देवी, और उनके पति उप प्रधान पप्पू राणा बील, जो कि इनकी पड़ोसी पंचायत की है। ऐसे में यहाँ पर भाजपा का थोड़ा वर्चस्व नजर आता है। पिछली बार की जो हम बात करें तो 404 वोटों से भाजपा यहाँ से प्लस रही थी, और इस बार भी कम से कम ये आंकड़ा तो भाजपा कवर करेगी ही। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चोर बावड़ी ग्राम पंचायत भाजपा के खाते में जाएगी। बात करते हैं बगरुंदा की। बगरुंदा ग्राम पंचायत जो है वहाँ की सरपंच है वो एक तरीके से प्रताप गमेती की बहन होती है, और बगरुंदा के दिलीप गमेती जो कि पंचायत समिति सदस्य भी है, माँ उनकी सरपंच है। ऐसे में उन्होंने बहुत काम वहाँ पर किए हैं, जनता को कहीं के अपने साथ जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस 93 वोटों से माइनस रही थी, जब न तो दिलीप गमेती पंचायत समिति सदस्य थे और न ही इनकी माँ सरपंच थी। तो ऐसे में बगरुंदा से जो है भाजपा नेगेटिव लेती हुई दिख रही है। फिर हम बात करते हैं पाटिया ग्राम पंचायत की। पाटिया में पिछले चुनाव में 102 वोटों से कांग्रेस ने लीड ली थी, और इस बार ये लीड और बढ़ सकती है। यहाँ पर मंडल का जो अध्यक्ष है काचपा पाटिया ये सब पूरा जिला एक मंडल होता है, इस मंडल में किशन सिंह चलाना जो बरौड़ी गांव के हैं उन्होंने यहाँ पर काफी सक्रियता से काम किया है। यहाँ के जो तमाम बोर्ड में थे, चाहे मोड़वा हो पाटिया हो, इन सब में इन्होंने टीम के साथ लगकर जिस तरह का काम किया है उससे ये लगता है कि ये लीड और बढ़ सकती है। और ये जो पिछली बार 102 वोटों से प्लस रहे थे ये कहीं कहीं और बढ़ सकता है। मझावद ग्राम पंचायत में बीजेपी का पिछली बार में अच्छा होल्ड था, यहाँ पर विकास के भी कई काम करवाए गए थे। 2018 के चुनाव में 571 वोटों से भाजपा यहाँ से प्लस रही थी, लेकिन इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं में कहीं कहीं जोश की कमी देखने को मिली। मझावद में रमेश सुथार हो, राम सिंह चलाना हो, चाहे अभय सिंह हो, ये जो लोग जिस तरीके से काम करते हुए दिखे थे, इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोट कहीं कहीं भाजपा के काटने का प्रयास हुआ है। माना जा सकता है कि भाजपा यहाँ से लीड लेगी, लेकिन पिछली बार जितनी लीड मिलना मुश्किल है। मादा ग्राम पंचायत की बात करते हैं। मादा ग्राम पंचायत वो ग्राम पंचायत है जहाँ के मूल निवासी है राम सिंह चलाना। राम सिंह चलाना जो है गोगुंडा ब्लॉक के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, तो इन्होंने यहाँ पर काफी सक्रियता से काम किया है। पिछली बार यहाँ 263 वोटों से कांग्रेस को लीड मिली थी, और इस बार ये लीड और बढ़ सकती है। बात करते हैं छाली ग्राम पंचायत की। छाली ग्राम पंचायत के सरपंच है गणेश लाल खेर। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को यहाँ से 367 वोटों से लीड मिली थी। यहाँ का जो उंडीथल गाँव है और छाली गाँव है, यहाँ से हमेशा कांग्रेस को लीड मिलती रही है, चाहे पंचायती राज चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। तो ऐसे में इस बार भी जो है यहाँ से कांग्रेस को लीड मिल सकती है, क्योंकि राम सिंह चलाना का इस ग्राम पंचायत पे भी अच्छा होल्ड है। तो ये छाली ग्राम पंचायत जो है ये भाजपा की बजाय कांग्रेस के खाते में मानी जा सकती है। मोरवल ग्राम पंचायत की जो हम बात करें तो यहाँ अम्बालाल कमेटी जो कि भाजपा के कद्दावर और सक्रिय कार्यकर्ता है, ऐसे में वो पप्पू राणा बील के भी बहुत करीबी है। पिछले चुनाव में उन्होंने 399 वोटों से भाजपा को बढ़त दिलाई, इससे ये कहा जा सकता है कि 399 वोटों को कांग्रेस इस बार कुछ भी करके थोड़ा बराबरी पे ला सकती है, लेकिन ये शॉर्टली नहीं कहा जा सकता है कि मोरवल
से कांग्रेस बढ़त ले सकती है। अंबावा ग्राम पंचायत में दो बूथ है और दोनों ही बूथ से पिछले चुनाव 2018 के चुनाव में कांग्रेस को लीड मिली थी और इस बार भी ये कहा जा सकता है कि यहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, क्योंकि यहाँ पिछले 5 सालों में मणिलाल गरासिया ने अपनी टीम क्रिएट करने का कोशिश किया। यहाँ जो उन्होंने जो टीम बनाई है वो टीम यहाँ पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को बढ़त दिलवा सकती है, ये माना जा सकता है। गोगुंदा ब्लॉक का वाकल क्षेत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वाकल क्षेत्र की वीरपुरा ग्राम पंचायत से 2018 के चुनाव में भाजपा को लीड मिली थी। भाजपा को यहां से 553 वोट अधिक मिले थे और यहां पर इस बार भी ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। बात करें समीजा ग्राम पंचायत की, समीजा ग्राम पंचायत से कांग्रेस 432 वोटों से माइनस रही थी, मतलब भाजपा ने यहां से 432 वोट अधिक हासिल किए थे और इस बार भी समीजा से भाजपा प्लस रह सकती है। बात करें वास ग्राम पंचायत की तो यहाँ भाजपा को 834 वोटों की लीड मिली थी और इस बार भी ये लीड कायम रह सकती है। वहीं बात करें मादड़ा ग्राम पंचायत की तो यहाँ से भाजपा को 162 वोट अधिक मिले थे। पड़ावली खुर्द में कांग्रेस ने 502 वोट अधिक लिए थे। वहीं पड़ावली कला से भी कांग्रेस ने लीड लेते हुए 162 वोट अधिक जुटाए थे। तो इस तरीके से ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि वाकल क्षेत्र पर भाजपा का होल्ड था। हालांकि ये होल्ड इस बार कितना रह पाएगा ये कहना मुश्किल है। तो कुल जमा हम बात करें तो गोगुंदा ब्लॉक की 26 ग्राम पंचायतों से भाजपा को 4240 वोटों की लीड मिली थी। तो ये जो 4240 वोट कांग्रेस पिछली बार माइनस रही थी, इस लीड को कम करने के लिए कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में सतत प्रयास किए हैं और इस बार ये कहा जा सकता है कि ये लीड 4240 की नहीं रह पाएगी। इसके पीछे कई कारण है। तो हम कुल जमा बात करते हैं पिछले चुनाव की, तो 2018 के चुनाव के दौरान यहाँ पर 26 ग्राम पंचायतें थी। 2018 के बाद गोगुंदा ब्लॉक में 5 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। कांग्रेस सरकार में सेमटाल, मदारडा, राव मादड़ा, सूरजगढ़, कुकड़ा खेड़ा व पाडलो का चोरा को ग्राम पंचायत बनाया गया, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलना लाजमी है अगर कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं ने इसे बुनाया होगा। तो आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों का विघटन कर नई ग्राम पंचायतों का गठन करने से वोट कम ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वोट पंचायत गठन करने वाली पार्टी के पक्ष में बढ़ सकते हैं। इसलिए गोगुंदा ब्लॉक से भाजपा को 2018 की तरह 4240 वोटों की बढ़त मिल पाना मुश्किल है। इस चुनाव में कांग्रेस कहीं कहीं प्लस ले सकती है पूरे ब्लॉक से। इसके पीछे 3 मुख्य कारण। पहला कारण मणिलाल गरासिया की दौड़ भाग, उनका जनता के साथ में लगातार जुड़े हुए रहना। नंबर 2, लाल सिंह झाला और अभिमन्यु सिंह झाला की सक्रियता। नंबर 3, इनकी टीम की सक्रियता, राम सिंह चराना को जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनाना और यहाँ और मंडलों का गठन करना। 16 मंडल बनाए गए हैं, उनमें से 4 मंडल यहाँ भी बनाए गए हैं। गोगुंदा ब्लॉक के अंदर 4 मंडल हैं इनके, तो इसका भी बेनिफिट कहीं कहीं यहाँ मिल सकता है। दूसरी तरफ भाजपा ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, तो टिकट घोषणा के बाद में कार्यकर्ताओं के हौसले कम हो गए थे, हौसलों को बढ़ाने का प्रयास किया उपजिला प्रमुख पुष्कर तेली और उनकी टीम ने, लेकिन वो उस स्तर पर जो है जोश कहीं भी फील्ड में देखने को नहीं मिला। क्या पर्दे के पीछे रहते हुए या अंधेरे में काम करते हुए इस लीड को बढ़ाया जा सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ये यूं भी दिखाई देता है कि कहीं पर भी पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कहीं पर भी जो है एक भाजपा की हवा कहीं देखने को नहीं मिली, कहीं लोगों के मुंह से भाजपा को बढ़त मिलने की चर्चा तक सुनने को नहीं दिखाई दी और हर जगह पे डॉक्टर मणिलाल गरासिया का नाम सामने आ रहा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार कांग्रेस गोगुंदा ब्लॉक से लीड लेगी। ये तो गोगुंदा ब्लॉक की बात हुई, यहाँ की स्थिति हमने स्पष्ट करने की कोशिश की। आपका मत तो उस मशीन के अंदर कैद है और 3 तारीख को पता चलेगा कि आपने किसे वोट किया है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सायरा की रिपोर्ट आपको बताएं, हम बड़गांव की रिपोर्ट आपको बताएं, हम कोटड़ा की रिपोर्ट आपको बताएं, तो
ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अगला वीडियो हम लेके आ रहे हैं सायरा का, बने रहिए डेली राजस्थान के साथ।